बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीफ पुलाव की एक ज़बरदस्त रेसिपी। देखें गाइस, मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। 3 पाव मैंने गोश्त लिया है, यह हड्डी वाला गोश्त है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। यखनी का सामान है, 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1.5 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 छोटी सी प्याज ली है, थोड़ा सा गर्म मसाला, अदरक थोड़ी सी और 4-5 कलियाँ लहसुन की। ये हम यखनी में डालेंगे। ये सामान हमें पीसना है। 1 चम्मच मैंने सौंफ लिए, 1 चम्मच ही मैंने धनिया लिया है, ये देखें, ये अदरक लहसुन लिया है मैंने थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, और ये मिर्चें लिए मैंने, हरी मिर्चें। इनको हमें पेस्ट बनाना है इसका, 6 से 7 अदद ये हरी मिर्चें, इसका पेस्ट बनेगा। ये प्याज लिए मैंने 2 अदद, इसको बारीक काट लिया है मैंने। 3 मिर्चें मैंने काट ली हैं, बड़ी मिर्चें हैं ये हरी। नमक और ये ज़ीरा, ये भंगार के लिए है, ये इसके हम चटनी बनाएंगे। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और आधी चम्मच ज़ीरा। इसकी बनेगी इसके साथ की चटनी। चलें गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यखनी चढ़ा देते हैं। ये सारा सामान जो है वो हम इसमें डाल देंगे, और तकरीबन 4 गिलास पानी डाल के, पानी इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन हम 4 गिलास, और इसकी हम यखनी चढ़ा देंगे जब तक गोश्त गले। ये देखें, बस आप इसको यखनी, ये थोड़ा सा नमक डालना है मुझे इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि नमक हमने मसाले के लिए भी लिया है। तो आधी चम्मच नमक डाल दें आप इसमें, बस आप इसको चढ़ा दें चूल्हे पे पकने के लिए। गाइस, ये बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ये देखें, अब मैं चटनी पीस लेती हूँ। सारा जितना भी मैंने दिखाया था मसाला, वो मैंने सब डाल दिया, टमाटर मिर्चें वगैरह। अब इसको हम पीस लेंगे। देखें, चटनी मैंने पीस ली है, अब हम चटनी रख देते हैं एक तरफ, पुलाव की तैयारी करते हैं हम। ये देखें, मैंने 1 कप तेल लिया है, इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। गाइस, ये इतना ज़बरदस्त बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी है, इसको मुझे ब्राउन करना है प्याज को। जब तक मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, यखनी भी तकरीबन हमारी तैयार हो गई है, गोश्त गल चुका है बिल्कुल उसमें। ये देखें, प्याज ब्राउन करनी है, देखें हल्की सी ब्राउन हो गई है, वह हल्की हल्की सी, हल्का सी वो रह गई है इसमें कलर आना। अब जो पेस्ट बनाया था हमने हरी मिर्चों का और अदरक लहसुन का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको भूनना है हमें जब तक खुशबू आए इसकी, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना भूनना है हमें, तेल इसका सेपरेट हो जाए। ये बहुत ही खुशबूदार पुलाव बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, ये मैं ज़ीरा, नमक और हरी मिर्चें जो मैंने काटी हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, ताकि ये भी गल जाएं हरी मिर्चें इसमें। ये 10 मिनट के बाद मैंने, ये देखें, ये गोश्त भी ऐड कर दिया इसमें, गोश्त गल चुका है हमारा माशाल्लाह, ज़बरदस्त गल गया है गोश्त। मैंने सीने का गोश्त लिया था, इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम इसके साथ। ये देखें, तेल इसका सेपरेट हो गया है। ये मैंने यखनी जो 3-3.5 गिलास बची थी यखनी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं चावल डालूंगी इसमें और फिर हम देख लेंगे, अगर पानी कम लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे इसमें। ये देखें, ये 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले, बासमती राइस हैं ये। अब ये पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास में पानी इसमें और ऐड करूँगी। ये देखें, पानी थोड़ा कम है अभी इसमें, मैंने पानी डाल दिया इसमें 1.5 गिलास। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, जितनी देर लगती है इसको चावल, थोड़ा पानी ड्राई हो जाए इसका। ये देखें, इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको हल्का लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर दें इसमें। ये देखें, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, वो बहुत ही खुशबूदार बना है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अब मैंने लगा दिया इसको दम पे, ये देखें माशाल्लाह दम हो गया है पुलाव हमारा, बिल्कुल रेडी है। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत यमी बना है और जूसी बना है ये। देखें माशाल्लाह, बोटियाँ भी इसकी इतनी जूसी हैं।
देखें मछलस का फाइनल लुक। ये चटनी इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है गाइस, आप ये चटनी ज़रूर बनाइएगा इसके साथ, इसको ट्राई करिएगा। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।